तो और एक नए और फ्रेश वाले वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो अभी एक्चुअली वीडियो को थोड़ी सी देर हो गई है, मतलब अभी कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं वीडियो को आते आते, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में क्या शूट करो ये बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप एक बार यूट्यूब पर डाल लोगे कि हाउ टू मेक इन्वर्टर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाने वाला है, पर वो सिर्फ बता दें कि डीसी टू एसी को कन्वर्ट कैसे करना है। पर सबसे एक मेन प्रॉब्लम होता है कि फिर उसकी चार्जिंग कैसे करें। चार्जिंग के बाद अगर हम उसको ऑपरेट करना है तो ऑपरेट करने के लिए हमें उसे फिर से बटन लगाना पड़ेगा और बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे। फिर इससे अच्छा आप अगर आपके घर पे जो माइक्रोटेक का इन्वर्टर रहता है या कौन सी भी कंपनी का अच्छा खासा इन्वर्टर, तो खुद की चार्जिंग खुद कर लेता है। उसके बाद जब आपकी लाइन कट ऑफ होती है तो कट ऑफ होते ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो इसे बहुत सारे फंक्शनैलिटी के साथ मेरा खुद का इन्वर्टर बनाया है और बहुत ही सिंपल इन्वर्टर है। तो अभी मैं ये वाला जो इन्वर्टर बना रहा हूँ, तो आपको इसमें 6 वुडन पीसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इसमें MDF भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरा ये जो है ये मेन बॉटम वाला है, ये टॉप वाला है, और मैंने मेरे हिसाब से इस इन्वर्टर के 6 माउंटेड पीसेस कट कर लिए हैं। तो अभी हमारा जो मेन बॉटम पीस है, तो मैंने उस पर जो सर्किट्स है वो ड्रॉ कर लिया है। मतलब हमारा 2 पावर सप्लाई, 1 चार्जिंग, उसका 12 वोल्ट इन्वर्टर सर्किट, 2 रिले बोर्ड, उसके बाद आर्डिनो नैनो के साथ ऐसे बहुत सारे इस पर सर्किट डायग्राम्स मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इस इन्वर्टर पे मैं 2 पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ ऐसे वाले। तो सबसे पहले इस पावर सप्लाई को मैं कर लेता हूँ माउंट बोर्ड पर स्टिक। तो ये सब पावर मॉड्यूल स्टिक करने के लिए ग्लू गन इज द बेस्ट, और बहुत अच्छे स्टिक हो जाते हैं इस ग्लू गन से। तो अभी मैंने इस पर सब कंपोनेंट जो इन्वर्टर के मेन कंपोनेंट्स है वो स्टिक कर दिए। ये 2 पावर मॉड्यूल, उसके बाद एक चार्जिंग मॉड्यूल, 12 वोल्ट टू 230 वोल्ट, ये है हमारे इन्वर्टर मेन सर्किट। उसके बाद ये है एक इन्वर्टर रिले, जिसे कॉइल रिले भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। इसके बाद ये सेकंड मैग्नेटिक रिले, एक आर्डिनो नैनो और 2 चैनल रिले बोर्ड। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वजह से हीट ना हो, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एक CPU फैन भी लगा दिया है, मतलब इन सब कंपोनेंट्स को ठंडा रखेगा। तो अभी हमारा जो इन्वर्टर है उसकी वो वायरिंग करके पूरा इन्वर्टर हमारा रेडी हो गया है। तो अभी आपको एक बार इसका जल्द से दिखा देता हूँ डेमो। अभी ये है हमारा इन्वर्टर। तो अभी मैंने इसको जो लाइट है 7 वॉट वाला LED लाइट, इसे कनेक्ट कर दिया है। तो अभी इसे करता है पावर अप। अभी पावर अप के लिए मैंने इसे UPS को रखा है। ओके, तो अभी जैसे आपने देखा, जैसे पावर अप ये हुआ है, पावर होते ही ये वाला LED अपना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये जो व्हाइट वाला LED है, ये है मेंस वाला, मतलब फिलहाल अभी ये मेंस पर है। उसके बाद ये वाला चार्जिंग LED है। अभी जो मेन इन्वर्टर का स्विच है उसे करते हैं ऑन। तो कर दिया इन्वर्टर का स्विच ऑन। अब तो हम पावर सप्लाई को जैसे कट करते हैं तो हमारा जो ऑटोमेटिकली इन्वर्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारा ग्रीन LED है वो स्टार्ट हो गया है। तो अगर हमारी पावर सप्लाई फिर से आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली मेंस पर चला जाएगा और इसकी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तभी फिर से ये जो LED है ये फिर से मेन पर आ गया है, और अगर हम जब इसे फिर से इसके पावर कट करते हैं तो ये फिर से आ जाते हैं इन्वर्टर मोड पर। तो भी आप जैसे देख सकते हो कि मैंने इस LED को कौन से भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट नहीं किया है, ये सिर्फ इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है। और ये जो लाइट है ये 12 वोल्ट के बैटरी के ऊपर चल रहा है। तो हम जैसे ही इस ब्लैक वाली वायर को निकाल देते हैं तो लाइट स्विच ऑफ हो जाता है, और जैसे ही फिर से लगाते हैं फिर से ये लाइट ऑन हो जाता है। तो अभी आपको उम्मीद है आपको ये जो इन्वर्टर है ये बिल्कुल पसंद आया होगा। मैंने ये वाला जो इन्वर्टर बना ये पूरा कस्टमाइजेबल है। अब इसमें अगर आपको बैटरी बढ़ानी है तो आप इसमें बड़ी बैटरी भी लगा सकते हो, मतलब जैसे कि कार की बैटरी हो गई। अगर आप कार की बैटरी अगर इसमें इंस्टॉल कर रहे हो तो सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इसका जो चार्जर है वो चार्जर इसका चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा बड़ा एम्पीयर वाला चार्जर लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा के जाना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए टेक्सी ब्लॉग्स।